गांधी परिवार की विरासत आज सोनिया गांधी संभाल रही हैं। राहुल और प्रियंका इस विरासत के वारिस हैं। एक वक्त था जब गांधी परिवार की विरासत का असली हकदार संजय गांधी को माना जाता था। सब ठीक चल रहा था। संजय गांधी राजनीति में एक्टिव थे और राजीव को राजनीति से कोई मतलब नहीं था। नहीं, सोनिया गांधी राजीव के राजनीति में आने के पक्ष में थी। इस बीच संजय गांधी की शादी होती है एक सिख परिवार से आने वाली लड़की मेनका आनंद के साथ। मेनका गांधी आज राजनीति में है लेकिन कांग्रेस में नहीं है। वो गांधी परिवार की बहू तो हैं, लेकिन गांधी परिवार की विरासत नहीं। कैसे मेनका गांधी और संजय गांधी की मुलाकात हुई थी, क्यों इंदिरा गांधी ने दोपहर 1 बजे मेनका गांधी को घर से बाहर निकाल दिया था, अगर इंदिरा मेनका को अपना पर्सनल सेक्रेटरी बना लेती तो क्या आज मेनका और सोनिया साथ होते? सुनिए इस बार मेनका गांधी की अनसुनी कहानियां। 26 अगस्त 1956 को नई दिल्ली में एक सिख परिवार में मेनका गांधी का जन्म हुआ था। पिता सेना में अधिकारी थे। शुरुआती पढ़ाई सेंट लॉरेंस स्कूल से हुई और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्रीराम कॉलेज से। मेनका गांधी ने जेएनयू दिल्ली से जर्मन भाषा की पढ़ाई भी की है। एनिमल वेलफेयर और एनवायरमेंट पर मेनका गांधी ने हमेशा मुखर होकर बात रखी है। किसी जानवर के साथ अगर कहीं बुरा बर्ताव होता है तो वो अपना आपा खो देती है। अभी हाल ही में मेनका का एक इंस्पेक्टर के साथ बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें कुत्ते को मारने वाले युवक को अपनी तरफ से वो 2 थप्पड़ लगाने की बात कर रही हैं। तेज प्रकाश जी, ये लड़के को पकड़ना है। हाँ, वो अभी सिपाही को भेजा था तो इस समय संयोग से वो घर पे है नहीं। नहीं, वगैरह उसको पकड़ना है। पकड़ कर उसको जेल भेजो। जेल भी भेजो, उसको पीटो भी, मेरी तरफ से 4 थप्पड़ लगाओ। और जितना पैसा लगा है ना डॉक्टरी करना, क्योंकि उसे कुत्ते की टांग तोड़ी है, इससे उसने पैसा देना ही देना। मेनका गांधी और सोनिया गांधी में आज 36 का आंकड़ा है। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब कुछ समय के लिए सोनिया और मेनका अच्छी दोस्त बन गई थीं। खासकर जब मेनका गांधी वरुण गांधी को जन्म देने वाली थीं। उस वक्त सोनिया ही उनका ख्याल रखती थीं। प्रेगनेंसी के दौरान मेनका को क्या खाना चाहिए ये सोनिया ही तय करती थीं। सोनिया के जिम्मे किचन था, खाने का मेन्यू वही डिसाइड करती थीं। वहीं मेनका इंदिरा गांधी के स्पीच लिखने में मदद किया करती थी। सोनिया नहीं चाहती थी कि मेनका राजनीति में आए, जबकि मेनका गांधी की राजनीति में दिलचस्पी किसी से छुपी नहीं थी। 23 साल की उम्र में पति को खोने वाली मेनका गांधी किसी भी मुद्दे पर बेबाक राय रखती हैं। एक बार वरुण गांधी ने अमेठी को लेकर राहुल गांधी की तारीफ कर दी थी। इस पर मेनका गांधी कहती हैं, मैंने वरुण से आज सुबह बात की थी जब मैंने अखबारों में पढ़ा, और जो उन्होंने कहा वो शायद सही नहीं है, क्योंकि मैं अमेठी गई हूँ और वहाँ सचमुच में जिस लायक काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और मैंने वरुण को भी बोला है कि जब तक कोई चीज अपने आप ना देखे तब तक बोले ना। मेनका गांधी ने उम्र में 10 साल बड़े संजय गांधी से शादी की। पहली मुलाकात का किस्सा यूं है कि मेनका गांधी के कजन की शादी थी और वहाँ एक कॉकटेल पार्टी चल रही थी। संजय मेनका की खूबसूरती देखकर दंग रह गए। मेनका तब महज 17 साल की थी और बेहद ही आकर्षक लगती थी। ये मेनका की खूबसूरती ही थी कि बॉम्बे डाइंग जैसी कंपनी के लिए वो विज्ञापन कर रही थी। लेडी श्रीराम कॉलेज में मिस लेडी भी बन चुकी थी। शहर में जगह जगह मेनका गांधी के होर्डिंग्स लगे थे। कुछ रिपोर्ट्स में तो इस बात का भी दावा किया गया है कि संजय ने पहली बार मेनका गांधी को होर्डिंग्स में ही देखा था। विनोद मेहता अपनी किताब द संजय स्टोरी में लिखते हैं, संजय ने मेनका के पिता कर्नल आनंद से उनका हाथ मांगा। मेनका के पिता को एतराज नहीं था। उन्होंने संजय से कहा कि वो पहले अपनी माँ से तो बात कर लें। इंदिरा ने मेनका को बुलाया। उन्होंने मेनका से कहा कि संजय उनसे 10 साल बड़े हैं। मेनका का कहना था कि उन्हें इस बारे में पता है, लेकिन उन्हें कोई दिक्कत नहीं। दोनों की शादी गांधी परिवार के करीबी मित्र मोहम्मद यूनुस के घर पर हुई थी।
मेनका गांधी और सोनिया गांधी को लेकर कई बातें लिखी जाती हैं। ये सच है कि कई सालों से दोनों के बीच एक शीत युद्ध चल रहा है। एक तरफ जहां सोनिया मेनका गांधी पर कुछ भी बोलने से बचती हैं, वहीं मेनका सोनिया गांधी पर बोलने का कोई मौका नहीं चूकती। सोनिया गांधी की स्पीच को लेकर मेनका गांधी कहती हैं, मैं उनके स्पीचेस को नहीं लिखती हूं, तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ ये जरूर है कि वो अपने, अब उनको 40 साल से ज्यादा हो गया हिंदुस्तान में, और अभी भी वो अपने स्पीचेस पढ़ती हैं, और वो भी स्पीचेस अंग्रेजी में लिखे जाते हैं। गांधी नेहरू विरासत की दो शाखाएं आज एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। देश की जनता ने मेनका के बजाय सोनिया को कांग्रेस के उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार किया। दूसरी तरफ मेनका गांधी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। संजय गांधी की मौत हो चुकी थी। इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी ने जिन लोगों की मदद की थी या जो लोग संजय के बेहद करीबियों में गिने जाते थे, उन लोगों के दम पर मेनका अपने लिए दूसरा रास्ता तलाशने की कोशिश कर रही थी। द कंप्लीट बुक ऑफ मुस्लिम एंड पारसी नेम्स और द बुक ऑफ हिंदू नेम्स नाम से दो किताबें लिखने वाली मेनका गांधी ने 1984 के लोकसभा चुनावों में राजीव गांधी के खिलाफ मजबूत दावेदारी पेश की थी। 1988 में उन्होंने वीपी सिंह का जनता दल ज्वाइन किया था और पार्टी की महासचिव बनी थी। 1989 में मेनका ने पहली बार पीलीभीत से चुनाव जीता और पर्यावरण राज्य मंत्री बनी। 1996 में वो दोबारा पीलीभीत से सांसद चुनी गई। तब से लेकर अब तक वो कोई भी चुनाव नहीं हारी है। गांधी परिवार के करीबी पुपुल जयकर के अनुसार गांधी परिवार में सोनिया गांधी किचन संभालती थी, वहीं मेनका इंदिरा गांधी को स्पीच लिखने में मदद करती थी। साथ ही मेनका गांधी ने सूर्या नाम से एक मैगजीन की शुरुआत भी की थी, जिसके जरिए वो कांग्रेस का पक्ष रखती थी। संजय गांधी की मौत के बाद राजीव गांधी को उत्तराधिकारी माना जाने लगा। इस बीच मेनका मुखर होकर बोलने लगी थी। मेनका को इंदिरा ने वादा किया था कि वो उन्हें अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बनाएंगी। इंदिरा चाहती थी कि इस बहाने मेनका मेरे साथ रहेगी और परिवार में क्लेश भी नहीं होगा, लेकिन सोनिया ने इस पर एतराज जताया, जिसके बाद इंदिरा गांधी को अपना फैसला बदलना पड़ा। मेनका गांधी इस बात से बहुत आहत हुई थी। राशिद किदवई वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी उनको जाना जाता है। गांधी परिवार को लेकर कई किताब भी लिख चुके हैं। गांधी परिवार को करीब से जानने वाले राशिद किदवई कैथरीन फ्रैंक की किताब द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी के हवाले से लिखते हैं, मेनका संजय विचार मंच के जरिए राजनीतिक गतिविधि चलाने लगी थी। इंदिरा उस वक्त सोनिया के साथ लंदन में थी। 28 मार्च 1982 को इंदिरा लंदन से लौटती हैं। परिवार पर नजर रखने वालों की माने तो इंदिरा का मूड इतना खराब था कि उन्होंने मेनका के अभिवादन का जवाब भी नहीं दिया। उस वक्त धीरेंद्र ब्रह्मचारी और आरके धवन के साथ इंदिरा नंगे पांव मेनका के कमरे में जाकर उन्हें घर से बाहर निकलने का आदेश देती हैं। इंदिरा के सामने मेनका बेगुनाह होने का प्रमाण दे रही थी कि मुझे एकदम से घर से निकलने को क्यों कहा जा रहा है। तब इंदिरा ने संजय विचार मंच के भाषण का हवाला दिया। मेनका ने कहा, हाँ मैंने मंजूरी दी है। मेनका के इतना कहने भर से इंदिरा और भड़क गई। दोनों में बहस शुरू हो गई। इंदिरा ने बिना सामान लिए मेनका को तुरंत घर छोड़ने को कह दिया। काफी देर तक बहस चलती रही और आखिरकार दोपहर 1 बजे वो घर से बाहर निकलने लगी। रॉयटर्स, एएफपी और बीबीसी जैसी प्रमुख विदेशी समाचार एजेंसियों के दर्जनों मीडिया कर्मियों के लिए ये लाइफ टाइम कवरेज करने जैसा था। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मेनका और संजय ज्यादातर एक दूसरे के घर पर ही मुलाकात करते थे। दोनों को ऐसी जगह मिलना पसंद नहीं था जहां लोग उन्हें पहचान सके। मेनका से पहली बार मिलने पर इंदिरा ने कहा, क्योंकि संजय ने मुझे तुम्हारे बारे में नहीं बताया है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझे अपने बारे में बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या करती हो। इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री निवास पर ही दोनों की सगाई करा दी। इंदिरा ने अपनी छोटी बहू को गोल्ड टर्कोइज सेट और एक तंचोरी साड़ी तोहफे में दी। 1 महीने बाद मेनका गांधी का जन्मदिन था, तब इंदिरा ने उन्हें इटालियन सिल्क साड़ी तोहफे में दी। दिल्ली के एम्स अस्पताल में संजय गांधी का हर्निया का ऑपरेशन हुआ था। मेनका हर सुबह कॉलेज के बाद संजय के पास अस्पताल जाया करती थी। 23 सितंबर 1974 को दोनों ने शादी कर ली।
शादी में इंदिरा गांधी ने 21 महंगी साड़ियां, 2 गोल्ड सेट, लहंगा और 1 खादी की साड़ी तोहफे में दी थी, जो उनके पिता जवाहरलाल नेहरू ने जेल में रहते हुए बनाई थी। मेनका गांधी मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री थीं, दूसरे कार्यकाल में उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन आज भी वो महिलाओं और पर्यावरण के मुद्दों पर जमकर बोलती हैं। देश के किसी भी कोने में अगर किसी जानवर के साथ अमानवीय व्यवहार सामने आता है तो सबसे पहले मेनका गांधी ही मुखर होकर बोलती हैं। पिछले दिनों वरुण गांधी को मंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उनका जवाब था कि देश में 600 से 650 सांसद हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री कितनों को मंत्री बनाएंगे। मेनका गांधी अपने इसी बेबाक अंदाज की वजह से बीजेपी में रहते हुए भी एक अलग नेता के तौर पर जानी जाती हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।